हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है सॉलिड स्टेट और आज हम कवर कर रहे हैं लेक्चर थ्री। और लेक्चर थ्री में हम लोग कवर करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे लैटिस और यूनिट। इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड और उसके टाइप। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जनरली मैंने आपको बताया कि तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पार्ट होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होगा इसका टाइप हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के ये तीन टाइप है और आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किसका टाइप है, खुद क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी चार टाइप पढ़े थे। पहला था आयनिक सॉलिड, दूसरा था मेटेलिक सॉलिड, तीसरा था कोवेलेंट सॉलिड और चौथा टाइप था मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन और अलग से पार्ट हैं वो हम पढ़ेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए हम इनके बीच में, तीनों के बीच में कुछ कुछ कंपेरिजन करेंगे। तो पहला जो कंपेरिजन आएगा वो कंपेरिजन आएगा कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चलिए पढ़ते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे। सीपी लिख दिया है मैंने, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको हिसाब से देख लीजिएगा। सीपी यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस से बात करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। वापस ले लेती हूँ मैं, स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अगर बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, बस उसमें ये फर्क रहता है मैं आपको बताऊंगी। इसमें यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या अंतर रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो हाइड्रोजन किसी भी कोवेलेंट जो एटम है उसके साथ जो भी बॉन्डेड बनाएगा वो किसके अंदर आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि H2O वाटर जो होता है वो भी किसके अंदर आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। तो चलिए ये आप हो गया पहला कंपैरिजन। दूसरा जो कंपैरिजन होगा इनके बीच में वो होगा, दूसरा कंपैरिजन होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसा क्या अट्रैक्शन है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स या स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो दूसरा कंपैरिजन हम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिस्पर्जन फोर्स या फिर हम कह सकते हैं लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स
और हम कह सकते हैं क्या, इसे लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स किसके अंदर आ गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तो इसके अंदर कौन सा आता है, इसके अंदर कौन सा आएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। बात करूं अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो इसका तो नाम से ही पता है कि इसके अंदर क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब कि इसके अंदर क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए आप, हमने बात करी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस, ये इन दोनों का नाम सेम ही है, हम लोग इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं और लंदन फोर्स भी बोलते हैं। देख रहे हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिस्पर्जन फोर्स, और या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, लंदन फोर्सेस। और अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं, कौन से फोर्स के थ्रू, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और रही बात हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके अंदर किस चीज से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपैरिजन की, आई होप अभी यहां तक जितना आपने पढ़ा है आपको समझ में आ रहा हो। और ये जो डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, लंदन फोर्सेज या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। तो हम थर्ड जो कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट, यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो लो, और इधर भी क्या होगा, लो। तो ये तीन पॉइंट हमने पढ़े, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसका, या फिर मैं इसको रब करके दोबारा ऊपर से लिखती हूँ, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे इसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या होगा इसका, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी की बात करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंडक्टेंस होता ही नहीं है, नॉन कंडक्टर होता है, क्या होता है, नॉन कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा हुआ है, नॉन कंडक्टर, आप इसके नेम से ही याद रख सकते हो, नॉन पोलर, नॉन लग गया ना आगे, तो कंडक्टिविटी में भी क्या लगाना है, नॉन कंडक्टर। लेकिन ये कहानी आगे नहीं चलेगी ऐसी, आगे हमें दिमाग से काम लेना होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन कंडक्टर, अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो यहाँ कैसी कंडक्टिविटी होती है, यहाँ भी नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन यहां भी होता तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन जो एक एक्सेप्शन है ना वो ये है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन में जब ये लिक्विड होते हैं या फिर जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तब क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में नॉन कंडक्टर होते हैं लेकिन एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता तो नॉन कंडक्टर है लेकिन एक्वस स्टेट में कैसा एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह। ये आपको मैं समझाऊंगी जब मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। तो आई होप आपको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का इतना समझ में आ गया होगा, बाकी जब मैं एग्जांपल दूंगी तो और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो ये भी कैसा होता है, नॉन कंडक्टर, कैसा होता है, नॉन कंडक्टर, लेकिन
अगर एक्सेप्शन की बात करूं तो इसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, लेस कंडक्टिविटी, कैसी होती है, लेस कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी में हमने देख लिया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होता है, नॉन कंडक्टर, लेकिन एक्वस स्टेट में क्या करता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, नॉन कंडक्टर ही होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करूं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है इसके फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो देखिए अगर फिजिकली मैं बात करूं तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कैसा होता है, सॉफ्ट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कैसा होता है, सॉफ्ट। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कैसा होता है, सॉफ्ट। अब बात करें सिक्स्थ इनके एग्जांपल की। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या थे, स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, H2 के अलावा हो सकता है इसके अंदर O2 भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल में, मैंने आपको बताया H2, साथ ही हम इसमें O2 भी लिख सकते हैं, N2 भी लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। अब मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो इसके अंदर एग्जांपल हो सकते हैं HCl आपका, इसके अंदर और एग्जांपल की बात करूं तो SO2, ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो CHCl3। तो ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब मैं आपको इधर ही एक पॉइंट क्लियर करती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्टर होते हैं एक्वस स्टेट में। तो देखिए HCl है, एच के ऊपर क्या साइन होता है, पॉजिटिव का, सीएल के ऊपर साइन होता है नेगेटिव का। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, एच प्लस अलग हो जाएगा और सीएल माइनस अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ऐसे में ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेंगे या काम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ये आयंस होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इनके जो आयंस है वो फ्री नहीं हो पाते, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं या मैं कहूँ एक्वस स्टेट में होते हैं तो एक्वस स्टेट में ये आयंस फ्री हो जाते हैं, एच प्लस अलग हो जाता है, सीएल माइनस अलग हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसका एग्जाम्पल है सबसे फेमस एग्जाम्पल H2O। दूसरा मैं बात करूं अमोनिया, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने आज 6 पॉइंट कवर किए हैं इसके। पहला पॉइंट था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का हमने 6 तरीके से विभाजन किया है, 6 तरीके से इसको डिवाइड किया है। पहला था इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बेसिस पे हमने कंपैरिजन कर लिया, दूसरा मेट्रिक पॉइंट की बेसिस पे कर लिया, फिजिकल नेचर की बेसिस पे कर लिया, कंडक्टिविटी की बेसिस पे कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे कर लिया, एग्जाम्पल इसके हम लोगों ने देख लिए हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हम लोगों ने देख ली है बेसिकली। तो ये सब चीजें हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे भी हमने देख लिया है इसको। तो अब हमारा पूरा तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है वो कवर हो चुके हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप भी हमारे कवर हो चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लैटिस से। तो हम लोग अब पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस बेसिकली क्या होता है, देखिए लैटिस का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, एक बार मैं डेफिनेशन कवर कर रही हूं फिर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसमें, 3D में, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस, लैटिस बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन पे एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, वो पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो क्या कहलाएगा,
लेटिस, अगर मैं बात करूं आपके घर में एक दीवार की, तो पूरी दीवार क्या कहलाएगी? एक तरीके से लेटिस। तो लेटिस का मतलब क्या हुआ? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D इज कॉल्ड लेटिस। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि यूनिट सेल, आप जो डायग्राम स्क्रीन पे देख रहा है, दिख रहा है आपको, तो वो आप बार बार जो एक बार कंपेयर करते रहिएगा। तो देखिए यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, यूनिट सेल का मतलब होता है अ स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। मतलब कि एक ऐसी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जिसको अगर हम बार 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 रिपीट करें तो वो क्या बना दे? लैटिस। आपके घर की एक दीवार है सपोज टू बी, उस दीवार, वो दीवार कैसे बनी है? ब्रिक से बनी है, ब्रिक से बनी है यानी ईंट से बनी है। तो वो एक ईंट जो हुई वो क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। और उस ईंट को आप बार 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 रिपीट करते 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 वो क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी दीवार। और वो पूरी दीवार क्या कहलाई? लैटिस। वो पूरी दीवार हो गई लैटिस, और उस लैटिस के अंदर या उस दीवार के अंदर एक छोटी सी ईंट क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी आपको स्क्रीन पर एक पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट। उस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम? लैटिस पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और जो वहां पर आपको मतलब हाईलाइटेड करके दिखाई दे रहा होगा वो एक छोटा सा क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल को हम जब बार 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 रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लैटिस। तो आई होप आपको लैटिस का टर्म समझ में आ गया होगा, लैटिस पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं छोटे छोटे जो पॉइंट दिख रहे हैं उसे लैटिस पॉइंट बोलेंगे, और जो यूनिट सेल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेन मेन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वैसे कई किताबों में इसको चार टाइप का बताया हुआ है, मैं आपको भी समझाऊंगी कैसे ये चार टाइप के होते हैं और कैसे ये मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप बात करते हैं हम सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिंपल यूनिट सेल की, बात हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब दूसरा जो है वो टाइप होता है सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो हम आपको बताया था मैंने कि कुछ किताबों में से चार टाइप का बताया हुआ है, तो हमने इसको दो टाइप में करेक्टराइज किया हुआ है। पहला तो सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब जिस भी यूनिट सेल के आगे सेंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है हम उसे सेंटर यूनिट सेल के अंदर करेक्टराइज करेंगे। तो तीन टाइप होते हैं इसके आगे। पहला होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप इसके नेम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। फेस सेंटर्ड यूनिट पहला हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमने देख लिया कि कुछ बुक्स में जो है डायरेक्टली इन चार टाइप को बता रखा है। पहला टाइप सिंपल यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
और फोर्थ हो गया एड सेंटर्ड यूनिट सेल, लेकिन हमने इसे सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला सिंपल यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर तीन पार्ट हो गए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम इनको एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को अपने तक मत रखिए, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको। और दूसरी बात, जो इसको एक्सप्लेन हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसे अच्छी तरीके से हमें आगे और पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू।